हेलो दोस्तों, आज हम सूजी और आलू का एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। झटपट बनाते हैं, जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और पैन में हम थोड़ा सॉइल डाल देंगे। तो दोस्तों, ये जो नाश्ता है बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत सर टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, तो आप ईज़िली बना सकते हो सूजी और आलू का। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम सरसों भी डाल देंगे। ये देखिए, ये भून जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक काट के, और अच्छे से भून लेंगे इसे। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन के रेडी होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमें 2 कटोरी पानी ऐड करना है। आप जिस कटोरी से दोस्तों पानी ऐड करें उसी कटोरी से हमें यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लेना है। 2 कटोरी पानी में 1 कटोरी सूजी लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। चिली फ्लेक्स दोस्तों आप अपने घर में बना सकते हैं, सूखी मिर्च को कूट के आप उसे बना सकते हैं चिली फ्लेक्स। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी में उबाल आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे सूजी ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब पानी गर्म हो गया है, अब यहाँ पे हम सूजी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से पानी डाला है उसी से 1 कटोरी सूजी लिया है। अब सूजी को यहाँ पे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि सूजी जल्दी से पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, इसलिए जल्दी से हम यहाँ पे चम्मच चला लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सूजी जब पूरा पानी सोख लेगा उसके बाद यहाँ पे हम आलू डालेंगे दोस्तों। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होता है, और कोई भी शेप में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं और झटपट बन जाएगा। बच्चों के टिफ़िन में डालेंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 उबला हुआ आलू लिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी बहुत गर्म है दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से पकड़ के मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे बनाना चालू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू और सूजी जो अच्छे से मिक्स हो गया है और सूजी जो है सब पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट। चलिए दोस्तों, चौकी लेंगे और चौकी में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि जो हमारा मिश्रण है वो इसमें चिपके ना, और अच्छे से हमें इसे बेलते हुए बन जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसे फैला लिया है ऑयल को, और अभी ये बहुत गर्म है दोस्तों, इसलिए चम्मच की सहायता से हम इसमें डालेंगे और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी गर्म है दोस्तों, तो आप जब बनाएं तो थोड़ा सावधानी से बनाएं। ये देखिए, इसे थोड़ा सा गोला आकार देके हमारा डो बना लेंगे अच्छे से इसे, और इसे हम बेलेंगे दोस्तों। आप आराम आराम से बेलें ताकि ये फटे ना। देखिए, कोशिश करें कि हाथ से ही हो जाए तो जल्दी होगा। ये देखिए दोस्तों, अब इसे आप कोई सा भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं आप। थोड़ा मोटा ही रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फटने लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है खाने में, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी है सूजी और आलू है तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों, और आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग कर लिया है, ट्रायंगल शेप में मैंने इसे काट लिया है। ये देखिए, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम है। और चलिए दोस्तों, इसे फ्राई करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई जो अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे हम डाल देंगे। जो हमारा तेल है दोस्तों अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी बनेगा। तो गर्म गर्म तेल में हम सभी को डाल देंगे। ये देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। और हमें तुरंत इसे पलटना नहीं दोस्तों, थोड़ी देर बाद हम इसे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है दोस्तों, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इसे हम उलट पलट कर लेंगे।
एक भी टूटा नहीं है, ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे हम। गोल्डन ब्राउन होते तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, वाह कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए वाह दोस्तों, आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे निकाल लेंगे दोस्तों, ये हो चुका है। ये देखिए अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे प्लास्टिक का जो प्लेट है वो यूज़ ना करें, प्लास्टिक जो है वो ठीक नहीं रहता गरम गरम, तो आप यहाँ पे प्लास्टिक का जो प्लेट रहता है वो यूज़ ना करें, अनहेल्दी होता है, उससे वो ठीक नहीं रहता। ये देखिए दोस्तों, वाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है दोस्तों ये। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को टिफ़िन में डाल के दिया है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये देखिए अब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। ऐसे देखिए दोस्तों, मैंने अलग अलग शेप में बनाए, इसे मैंने कटलेट की स्टाइल में बनाया है। देखिए मैं कटलेट का शेप देके बनाया, आप चाहें तो कोई सा भी शेप में बना सकते हैं। तो ज़रूर दोस्तों आप अपने घर में एक बार ट्राई करिए, और सॉस के साथ हरी चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा आपको। शाम के स्नैक्स में हल्की फुल्की भूख है तो आप बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा ये अच्छा बना हुआ है, ये देखिए। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट, लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।